हे गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश का जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया है झारखंड बोर्ड के द्वारा, तो इस लेक्चर में हम लोग पांचों सेट के ग्रामर सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो लेट्स सी। हे गाइस, मायसेल्फ राजन। और गाइस, आज इस लेक्चर में हम जेक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट रिलीज किया गया है क्लास टेंथ के टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम के लिए, और इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए पांच पांच सेट रिलीज़ किए गए हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इंग्लिश का जो सेट फर्स्ट है उसका स्पेशली ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हाँ, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो लेट्स सी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ग्रामर सेक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हाँ यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सूटेबल वर्ब फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे तो क्वेश्चन 16 है, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है क्राई, ऑप्शन बी है क्राइज, ऑप्शन सी है क्राइंग, ऑप्शन डी है क्राइड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। बच्चे रोते हैं जब वे भूखे होते हैं। क्राइड होगा नहीं क्योंकि जो आने वाला क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में है। क्राइंग होगा नहीं क्योंकि क्राइंग आने की भी फोर के पहले जनरली हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। क्राइज होगा नहीं क्योंकि जो बेबीज है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट टाइम डिस। यहाँ पे ऑप्शन ए है द ट्रेन लिप्स, ऑप्शन बी है लिप्स द ट्रेन, ऑप्शन सी है डज द ट्रेन लीव, ऑप्शन डी है इज द ट्रेन लीविंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डज द ट्रेन लीव। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, तो किस समय ट्रेन छूटती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमें सूटेबल मॉडल का यूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 है, सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवेन है। ऑप्शन ए है नीड, ऑप्शन बी है साइल, ऑप्शन सी है माइट, ऑप्शन डी है काइन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, काइन। जनरली हम लोग काइन का यूज एबिलिटी कैपेसिटी पावर को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, सीमा एंड आकाश काइन डांस वेल। सीमा और आकाश अच्छा डांस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन है डैश गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवेन है। ऑप्शन ए है काइन, ऑप्शन बी है मे, ऑप्शन सी है मस्ट, ऑप्शन डी है शुड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मे। जनरली हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है यू डैश पे द टैक्सेस। तो यहाँ पे भी सूटेबल मॉडल का यूज करना है। ऑप्शन ए है मस्ट, ऑप्शन बी है नीड, ऑप्शन सी है कैन, ऑप्शन डी है कुड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्ट। यू मस्ट पे द टैक्सेस, तुम्हें टैक्स जरूर पे करना चाहिए, अवश्य पे करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जनरली मस्ट का यूज मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस नॉन फाइनाइट से रिलेटेड है और इसमें हमें सुटेबल नॉन फाइनाइट को फिल करना है। तो क्वेश्चन 21 है, सी इज टू वीक डैश। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवेन है। ऑप्शन ए है टू वॉकिंग, ऑप्शन बी है टू वॉक, ऑप्शन सी है वॉक, ऑप्शन डी है वॉकिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टू वॉक। सी इज टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पे जो फील होगा वो इन्फिनिटी विद टू का प्रयोग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, टू वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन है डैश जॉब इज नॉट इजी। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए है गेट, ऑप्शन बी है गेट्स, ऑप्शन सी है गेटिंग, ऑप्शन डी है टू गेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गेटिंग। गेटिंग जॉब इज नॉट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है डैश इज इंजेरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे चार ऑप्शन की मैंने, ऑप्शन ए है स्मोक्स, ऑप्शन बी है स्मोक, ऑप्शन सी है स्मोक्ड, ऑप्शन डी है स्मोकिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजेरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग यूज हो रहा है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार से हम लोगों ने जो मॉडल सेट फर्स्ट है इंग्लिश का जो कि रिलीज़ किया गया है जेक बोर्ड के द्वारा, तो उससे रिलेटेड जितने भी ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन थे उसे देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय। हे गाइज, मायसेल्फ राजन। और गाइज आज इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का जो इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया गया है उसका सेट 2 देखने वाले हैं, और स्पेशली हम लोग इस लेक्चर में ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे। तो लेट्स सी, तो 1 मिनट गाइज। या जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो क्वेश्चन 16, क्वेश्चन है आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर। तो यहां पे चार ऑप्शन गिवेन है, ऑप्शन ए है बाय, ऑप्शन बी है अबाउट, ऑप्शन सी है बाइंग, ऑप्शन डी है विल बाय। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बाउट। आई बाउट दिस वॉच लास्ट ईयर, मैंने इस घड़ी को खरीदा लास्ट ईयर। तो एक रूल है गाइज कि यदि किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम मेंशन किया हुआ हो तो हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का, जैसे कि अस्टरडे हो गया जो बीता हुआ कल को बताता है, उसी प्रकार अस्टरडे मॉर्निंग, अस्टरडे इवनिंग, या फिर एगो हो गया, या फिर लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक हो गया, या फिर आज से पहले का डेट दिया हुआ हो तो हम उसे पास्ट टाइम कहते हैं। और यदि किसी सेंटेंस में पास्ट टाइम मेंशन किया हुआ हो तो हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश फॉर रांची अस्टरडे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लेफ्ट, ऑप्शन बी है लिव, ऑप्शन सी है विल लिव, ऑप्शन डी है लिविंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्ट। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में हम लास्ट में देखेंगे कि अस्टरडे लगा हुआ है जो कि पास्ट टाइम को मेंशन कर रहा है। और अभी हम लोगों ने देखा कि यदि किसी भी सेंटेंस में पास्ट टाइम मेंशन रहे तो हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लेफ्ट, ही लेफ्ट फॉर रांची अस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है व्हाई आर यू डॉट नॉइज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो गिवेन है, 1 मिनट, ऑप्शन जो गिवेन है, ऑप्शन ए है मेड, ऑप्शन बी है मेक, ऑप्शन सी है मेकिंग, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेकिंग। व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, तुम हल्ला क्यों कर रहे हो? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है द गर्ल्स आर डैश ए कोरस। तो ऑप्शन ए है सिंगिंग, ऑप्शन बी है सिंग, ऑप्शन सी है सेंग, ऑप्शन डी है संग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगिंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए कोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवेन है, ऑप्शन ए है स्पीकिंग, ऑप्शन बी है विल स्पीक, ऑप्शन सी है स्पीक्स, ऑप्शन डी है स्पोकन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा ट्रूथ बोलता है, सत्य बोलता है। और इससे रिलेटेड एक रूल है गाइज जो कि है कि यदि किसी सेंटेंस में रेगुलर एक्शन की बात करें या फिर इरेगुलर एक्शन की बात करें या फिर हैबिचुअल एक्शन की बात करें या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये एक रेगुलर एक्शन है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सो स्पीक्स चूज किया, मीन्स इस सेंटेंस को इस टेंस में रखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस गिवन है और इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और सेंटेंस है सी हेल्प्स मी, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और यदि हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा आई एम हेल्प्ड बाय हर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आई एम हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे भी हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और जो सेंटेंस गिवन है वो है यू रिंग द बेल, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और यदि हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा द बेल वॉज रंग बाय यू। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द बेल वॉज रंग बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, यहाँ पे सुटेबल मॉडल का यूज करना है। क्वेश्चन है डैश आई कम इन मैडम, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मैं आई कम इन मैडम। मैं का यूज हम लोग जनरली फॉर्मल रिक्वेस्ट के केस में भी करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं आई कम इन मैडम। तो गाइज, इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास 10th इंग्लिश मॉडल पेपर का जो सेट 2 है उसमें ग्रामर सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन थे उसे देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय। हे गाइज, माय सेल्फ राजन। और गाइज, आज इस लेक्चर में हम लोग जेक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया है उसका इंग्लिश का सेट 3 के ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को फिल करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है बेबीज डेस वेन दे आर हंगरी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्राई। बेबीज क्राई वेन दे आर हंगरी, बच्चे रोते हैं जब वे भूखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है इट डैश नाउ। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवेन है, ऑप्शन ए है हैज रेंड, ऑप्शन बी है इज रेनिंग, ऑप्शन सी है रेनिंग, ऑप्शन डी है वाज रेनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इज रेनिंग। तो सेंटेंस हो जाएगा इट इज रेनिंग नाउ, मीन्स अभी बारिश हो रही है। तो गाइज, कुछ ऐसे समय सूचक शब्द है जिनका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं, तो वे समय सूचक शब्द हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे यूज किया गया एक नाउ, तो नाउ हो गया। इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे कि एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, करेंटली, करेंटली। इसके अलावा भी है दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग हो गया, दिस इवनिंग हो गया, इत्यादि। तो ये जो समय सूचक शब्द है इनका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं, और यदि किसी सेंटेंस में ये समय सूचक शब्द मिल जाए तो उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, नाउ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन चूज किया, इज रेनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इज रेनिंग, इट इज रेनिंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है आर यू प्लेइंग टेनिस, दिस सेंटेंस इज इन। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवेन है, ऑप्शन ए है सिंपल प्रेजेंट, ऑप्शन बी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी है पास्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन डी है प्रेजेंट परफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है ही डैश स्विम इफ ही विशेस। तो यहाँ पे सुटेबल मॉडल को फिल करना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवेन है, ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है काइन, ऑप्शन सी है मस्ट, ऑप्शन डी है शुड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काइन, ही कैन स्विम इफ ही विशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है सी डज नॉट नो डैश टू डांस। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवेन है, ऑप्शन ए है हाउ, ऑप्शन बी है मस्ट, ऑप्शन सी है काइन, ऑप्शन डी है कुड। तो गाइज, यहाँ पे जो मॉडल काइन है, मस्ट है,
कुड है। इनके बाद कभी भी इन्फिनिटी विद टू का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ना ही ऑप्शन बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। तो बचा क्या, बचा ऑप्शन ए हाउ। तो सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है हाउ टू डांस, कैसे डांस किया जाए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे भी सुटेबल मॉडल फिल करना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कैन, सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश बोल सकती है फ्लुएंटली। तो जनरली हम लोग कैन का प्रयोग पावर कैपेसिटी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और जो सेंटेंस गिवन है वो है ही इज मेकिंग ए फिल्म, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है और जो क्वेश्चन गिवन है वो है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस रहे तो हम उस सेंटेंस में कभी भी टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है द अर्थ इज राउंड, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा वो हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो गाइज इस प्रकार से हम लोगों ने जो सेट 3 का ग्रामर सेक्शन का जो क्वेश्चन था उसे देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय। हे गाइज, माइसेल्फ राजन। और गाइज आज इस लेक्चर में हम लोग जेक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया है, तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट का सेट 4 है और स्पेशली हम लोग इसमें ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 16 है ग्रामर सेक्शन का और इस क्वेश्चन को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है रानी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो यदि हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसे भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन है रितु सेड टू मी आई सॉ ए मूवी। तो इसे यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा रितु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन ए मूवी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रितु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन ए मूवी। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सुटेबल मॉडल को फिल करना है। तो 1 मिनट, तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है मे, ऑप्शन बी है कुड, ऑप्शन सी है कैन, ऑप्शन डी है मस्ट। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो एक
ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लास्ट में लगा हुआ रहता है। तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस में से ही स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे जो मॉडल सुटेबल मॉडल होगा वो होगा मैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस से जनरली प्री विश कर्स ब्लेस एक्सेक्टा का बोध होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है वी डैश पे अवर टैक्सेस। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मस्ट। वी मस्ट पे अवर टैक्सेस, हमें अपना टैक्स जरूर पे करना चाहिए, अवश्य पे करना चाहिए। जनरली मस्ट का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, दिस सेंटेंस इज इन। ऑप्शन ए है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी है पास्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी है सिंपल पास्ट, ऑप्शन डी है प्रेजेंट परफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सिंपल पास्ट, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है डैश यू राइट ए लेटर। तो यहाँ पे सुटेबल मॉडल को फिल करना है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवेन है, ऑप्शन ए है शुड, ऑप्शन बी है कैन, ऑप्शन सी है मे, ऑप्शन डी है मस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कैन, कैन यू राइट ए लेटर। कैन का प्रयोग हम लोग जनरली पावर एबिलिटी कैपेसिटी को दिखाने के लिए करते ही हैं, इसके अलावा कैन का प्रयोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है आई आस्क हिम इफ आई डैश सी हिम। तो यहाँ पे भी सुटेबल मॉडल को फिल करना है, और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कुड ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे कुड फिल होगा, आई आस्क हिम इफ आई कुड सी हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और जो सेंटेंस है वो है मनी इज राइटिंग अ लेटर, और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, और यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मनी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मनी। तो गाइज इस प्रकार से हम लोगों ने जो सेट फोर में ग्रामर सेक्शन में जितने क्वेश्चन थे उसे देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय। हे गाइज, माई सेल्फ राजन, और गाइज आज इस लेक्चर में हम लोग जेक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया है, तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट का सेट 5 है, और इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन 19 है जिसमें कि हमें अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ही डैश हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे। गाइज इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो गाइज इससे रिलेटेड एक रूल है, हम लोग सबसे पहले रूल को देखते हैं। रूल है, यदि किसी वाक्य में भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो हम उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड को देखते हैं, जैसे कि यस्टरडे हो गया जो कि बीते हुए कल को बताता है। उसी प्रकार करंट डेट से पहले का कोई डेट या ईयर मेंशन हो तो भी वो पास्ट टाइम को ही बताएगा, जैसे कि 2016, 2017, 2018 या फिर 15 अगस्त 1947। तो ये सभी पास्ट के ईयर्स हैं, डेट्स हैं, तो ये भी पास्ट टाइम को बताते हैं। और उसके बाद एगो भी पास्ट टाइम को बताता है, जैसे कि 2 मिनट्स एगो, 2 डेज एगो, 3 वीक्स एगो, मंथ्स एगो। और इसके अलावा भी लास्ट डे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट
वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, तो ये सभी जो वर्ड्स हैं वो पास्ट टाइम को बताते हैं। और यदि किसी सेंटेंस में इन वर्ड का प्रयोग हो तो हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है लास्ट संडे जो कि पास्ट टाइम को बता रहा है, इसलिए हम इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है व्हेन वी वर टेकिंग लंच द पोस्टमैन डेस द डोर। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी एक रूल है, और वो रूल है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यदि पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो और उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो तो हो रहे कार्य के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, तथा उसी दौरान यदि कोई कार्य होता है तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कम्बिनेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इस क्वेश्चन में व्हेन वी वर टेकिंग लंच, जब हम लोग लंच कर रहे थे, द पोस्टमैन डेस द डोर, तो यहाँ पे दो टाइप के एक्शन हैं, एक तो कंटिन्यूअस एक्शन है, पास्ट में कोई कार्य चल रहा था और यहाँ पे उसी दौरान कोई एक्शन हुआ है, तो जो दूसरा एक्शन है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नॉक्ड। व्हेन वी वर टेकिंग लंच, जब हम लोग लंच कर रहे थे, द पोस्टमैन नॉक्ड द डोर, पोस्टमैन ने दरवाज़ा खटखटाया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है डेस ही डेस मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम। तो गाइज इससे भी रिलेटेड एक रूल है, और वो रूल है वो है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट के काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो इससे रिलेटेड दो स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर गिवन है, जो हमारा क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर टू को फॉलो कर रहा है, और स्ट्रक्चर टू है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब भी थ्री कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट, या तो वुड होगा या तो कुड होगा या तो माइट होगा, प्लस हेड प्लस मेन वर्ब भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या हुआ कि पास्ट के काल्पनिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, मीन्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब भी थ्री। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डैश ही डैश मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हैड टेलीफोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड ही टेलीफोन, वह फोन किया होता, मी हैड ही टेलीफोन्ड मी, वह फोन किया होता, आई वुड हैव विजिटेड हिज होम, मैं उसके घर विजिट किया होता, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हैड टेलीफोन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, और जो क्वेश्चन है वो है द टीचर सेड टू मी आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम। तो यदि हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी, और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में परिवर्तन होगा, तो द टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड performed well in the exam, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, द टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन जो है यहाँ पे उसे भी इनडायरेक्ट स्पीच में ही कन्वर्ट करना है, और जो क्वेश्चन है वो है गांधी सेड ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ में, तो हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यदि हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा गांधी
said that honesty pays in the long run. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी सेड दैट ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन. तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा. तो गाइज इस प्रकार से हम लोगों ने सेट 5 के ग्रामर सेक्शन में जितने क्वेश्चन थे उसे देखा. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय.